हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली पनीर, और देखते हैं कैसे बनाते हैं। जिसके लिए आप लेंगे प्याज, शिमला मिर्च, सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस, अरारोट, हरी प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट। और यह है हमारा 300 ग्राम पनीर। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पनीर में आधा चम्मच नमक डालेंगे। और आधी चम्मच डालेंगे मिर्च। दो चम्मच अरारोट मिलाएंगे इसमें हम। तो हमने इसमें दो चम्मच अरारोट भी मिला दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले हम डालेंगे कढ़ाई में। तो चलिए हम कढ़ाई रख के इसमें घी डालते हैं। तो हम इसमें डालते हैं दो चम्मच घी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा ये पनीर भुन चुका है। देखिए कितना खस्ता लग रहा है। ये देखिए अच्छे से भुन चुका है हमारा ये पनीर। ये देखिए, तो देखिए कितने अच्छे से भुन चुके हैं। करारापन देखिए इसमें। एक चम्मच घी डालेंगे हम इसमें। इसमें हमें शिमला मिर्च डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। प्याज डालेंगे। इसमें हम एक चम्मच विनेगर डालेंगे। चिल्ली सॉस डालेंगे, हरी चिल्ली। ये हमारे ग्रीन चिल्ली सॉस है। हमारे सोया सॉस,
ये हमारी टमाटर केचप है। केचप आप कोई सी भी डाल दीजिए। इसमें थोड़ी सी हम हरी प्याज डालेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च, यह हमारा अरारोट है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अरारोट डाल के आप इसे मिलाइए। इसमें हम एक चम्मच मिर्ची डालेंगे। नमक आप कम डालें क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाला था भूनते समय। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो देखिए देखिए हमारा चिल्ली पनीर तैयार हो गया। ये देखिए देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है। वाओ। Wow.